भाई क्या क्या बन रहा है प्रसाद में बता दो। हेलो जी, राम राम जी, आप सबका स्वागत है सावित्री जी की रसोई में। मैं हूँ निशा चौहान। सुबह की राम राम, जय श्री राम। जैसे कि आज से पितृपक्ष शुरू हो गए हैं, मतलब कि श्राद्ध शुरू हो गए हैं, आज है पूर्णिमा। और जी मेरे यहाँ पहला जारबीर बाबा का मनाते हैं। मम्मी जारबीर बाबा का करती थी तो हम भी थोड़ी सी खीर बनाते हैं और चार फुलके निकालते हैं। और काम मैंने सारा कर दिया है, ये देखिए जी, झाड़ू पोछा सब कर दिया है मैंने, सारा काम कर लिया है। इधर ये छोटे वाली बेटी की बुक रखी है, पेपर चल रहे हैं, तो सुबह बैठ के उसने पढ़ा था। मैं 5:30 बजे उठ गई थी, 5:30 बजे उठ के मैंने सारा काम कर लिया है घर का। और इधर मैंने खीर बननी भी शुरू कर दी है, खीर भी रख दी है मैंने येरी। और इधर आटा भी बना दिया है मैंने पूजने के लिए, ये आटा बना दिया है। तो जी खीर बनने लग रही है, पितरों का खाना मैंने बना लिया है जी। ये देखिए फुलके हैं और खीर है, अब मैं पूज देती हूँ उन्हें। वो तो दुकान पे गए हुए हैं और बच्चे स्कूल गए हैं, वरना तो लक्की से पूजवा देती, लेकिन अब मुझे ही पूजना पड़ेगा। तो जी मैं पूज देती हूँ। मैंने पितरों की खाना निकाल दिया है, पितरों का खाना निकाल दिया है और मैं तैयार भी हो गई हूँ। और तैयार होने से पहले मैंने चाय भी बनाई थी जो मैं आपको नहीं दिखा पाई। और मैंने मटर पुलाव भी बना दिए हैं, बच्चे स्कूल में गए हुए हैं, बच्चों के पेपर चल रहे हैं, तो जी आज मुझे जाना है कहीं और बच्चे नहीं जाएंगे, तो इसलिए मैं बच्चों का खाना बना के जा रही हूँ। और 9:15 हो गए हैं और जाना कहाँ है, आज मुझे अपनी ससुराल में पूजा करने जाना है, तो जी ये भी नहीं जा रहे हैं। मैं और बड़ी दीदी और बड़े भैया हम जा रहे हैं गांव में, यानी कि इनके गांव में मेरी ससुराल और इनका गांव, वहां पे जाना है मेरे को और वहां पे करनी है पूजा। तो जी आप वीडियो में बने रहना, आपको मैं जो भी वहां पे होगा वो सब दिखाऊंगी। जी पूजा का सामान भी ले लिया है, अब हमारी चलने की तैयारी है। भाई क्या क्या बन रहा है प्रसाद में बता दो। हलवा दिखा दो, खीर भी दिखा दो, खीर भी दिखा दो। हलवा किधर है भैया, हलवा दिखा दो। आज ये है जारबीर बाबा गोरखनाथ जी का प्रसाद, आलू की सब्जी। Thank you.
अब पहले इनकी सेटिंग लेके जी मैं अपनी ससुराल गई थी। ससुराल में थी पूजा, हमारे यहाँ जारवीर बाबा की पूजा होती है, तो जी मैं जारवीर बाबा की पूजा करने गई थी और पुनवासी का उनका जागरण भी था। जागरण सुबह तक चला और हमने भी खूब आनंद लिया जागरण लोग का। यहीं पर एंड करती हूँ, कल मिलेंगे आपको एक नए लोग के साथ। शुभरात्रि।